नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों लेकर आ गए हैं कुछ ऐसे यूजफुल टिप्स जिनको अपना के आपके घर किचन के काम हो जाएंगे बहुत ज़्यादा आसान। अगर आपको आज के टिप्स पसंद आते हैं तो एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट टिप है मोबाइल को लेके। जब भी हम लोग मोबाइल चलाते हैं तो अक्सर इसमें दाग धब्बे जैसे पड़ जाते हैं, जैसे कि निशान वगैरह हो गए या स्क्रैच वगैरह पड़ गए। तो आप क्या करिए, इसको हटाने के लिए ले लीजिए वाइसलिन, और वाइसलिन को उंगली से इस तरीके से पूरी स्क्रीन पे लगा देना है। और आपको ले लेना है कॉटन। कॉटन से आपको पूरी स्क्रीन पर अच्छे से इस तरीके से रब कर देना है। तो इसको आपको अच्छे से करना है जिससे कि जो भी इसमें निशान वगैरह पड़े होंगे या स्क्रैच पड़े होंगे बहुत ही आसानी से साफ हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हमने कॉटन से रब किया हुआ है कितनी अच्छे से स्क्रीन साफ हो गई है। तो इसी तरीके से आप पीछे की तरफ भी मोबाइल को क्लीन कर सकते हैं। तो अगर आपके भी मोबाइल में इस तरीके से स्क्रैच वगैरह आ गए हैं या दाग धब्बे पड़े हुए हैं तो आप इस टिप्स को ट्राई कर सकते हैं, मोबाइल आपका बहुत ही अच्छे से साफ हो जाएगा। अगली टिप है, जब भी हम लोग दिवाली में मोमबत्ती वगैरह जलाते हैं तो मोमबत्ती के निशान कुछ इस तरीके से पड़ जाते हैं। तो जब भी जहाँ पर भी मोमबत्ती लगाते हैं, जैसे कि फर्श है, फर्नीचर है, तो वहाँ पर निशान गिर जाते हैं जो कि आसानी से अच्छे से नहीं निकलते हैं। तो आप इसको हटाने का ले आए हैं आसान सा तरीका। आपको करना क्या है, ले लेना है न्यूज़पेपर और प्रेस को कर लेना है गर्म, और जहाँ पर भी निशान वगैरह लगे हों वहाँ पर न्यूज़पेपर रख के और प्रेस को इस तरीके से थोड़ी देर के लिए रख देना है। तो जो भी मोमबत्ती वगैरह गिरी होगी बहुत ही अच्छे से पिघल के पेपर में आ जाएगी। आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पर मोमबत्ती गिरी हुई थी कितने अच्छे से निकल आई है, और जो भी निशान वगैरह थे वो सारे पेपर में आ गए हैं। तो इस तरीके से आप मोमबत्ती के निशान को आसानी से साफ कर सकते हैं। तो ऐसे अगर फर्नीचर है, टाइल्स है, फर्श है, जहाँ पर भी निशान वगैरह लगे हों तो आप इस टिप्स को ट्राई कर सकते हैं। निशान बहुत ही अच्छे से साफ हो जाते हैं, बिल्कुल भी निशान वगैरह नहीं बचते हैं। आप देख सकते हैं जो भी मोम था वो पेपर में पिघल के आ गया है। तो इस तरीके से आप मोम के निशान को आसानी से साफ कर सकते हैं। अगली टिप है, जब भी बच्चे दिवाली में मोमबत्ती वगैरह लगाते हैं तो कुछ इस तरीके से कभी कभी वो अपने कपड़ों पर भी गिरा लेते हैं। तो जब कपड़ों पर गिरा लेते हैं तो ऐसे निशान पड़ जाते हैं जो कि धुलने पर आसानी से नहीं निकलते हैं। तो आपका करिए, जब भी कपड़ों पे इस तरीके से निशान लगा हो तो उस कपड़े को आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखने से क्या होगा, जहाँ पर भी मोमबत्ती का निशान लगा होगा वहाँ पे सख्त हो जाएगा। इसके बाद में आपको करना क्या है, फ्रिज में निकालने के बाद में आपको जहाँ पर भी निशान लगा हो वहाँ पर आप चाकू या किसी भी नुकीली चीज़ से आपको कुछ इस तरीके से इसको खरोच देना है। तो जैसे ही आप इस पे चला देंगे तो जो भी मोमबत्ती के निशान वगैरह लगे होंगे वो आसानी से निकल आएंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको चला देना है। या मैंने लिया हुआ है चाकू, और इससे जैसे ही आप निकालेंगे तो देख सकते हैं जो भी निशान वगैरह यहाँ पर लगे हुए थे वो हल्के हो गए हैं। तो जो भी बचे हुए इसमें निशान बचे हैं तो इसके लिए आपको करना क्या है, कर लेना है पानी को अच्छे से गरम। पानी को गरम करने के बाद में जहाँ पर भी निशान वगैरह लगे हों उस कपड़े को पानी में थोड़ी देर के लिए डुबो देना है। तो यहाँ पर इतना छूट चुका है, बाकी जो बचा हुआ है इसको जब हम पानी में डाल देंगे तो ये अच्छे से पिघल के पानी में मोम आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको डाल के और थोड़ी देर के लिए इसी में छोड़ दिया था। तो जैसे ही इसमें छोड़ दिया है तो जो दाग थे वो हल्के पड़ गए हैं। इसके बाद में आपको हाथों से इनको कुछ इस तरीके से मसल देना है। तो जो भी बचे हुए दाग वगैरह होंगे मोमबत्ती के बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रकार के कपड़े में निशान वगैरह अगर मोमबत्ती के लग जाए तो आप इस टिप्स को ट्राई करके आसानी से निशान को हटा सकते हैं। आप देख सकते हैं जो भी निशान थे कितने अच्छे से साफ हो गए हैं, बिल्कुल भी निशान वगैरह नहीं बचे हैं, और जो भी मोम वगैरह लगी हुई थी वो पानी में निकल के आ गई है। तो आप देख सकते हैं टी शर्ट हमारा कितने अच्छे से साफ हो गया है। अगली टिप है यहाँ पर जले हुए दियों को लेके। दिवाली में जब भी हम लोग दिया वगैरह जलाते हैं जो इस तरीके से जले हुए दिया होते हैं उनको आप इकट्ठा करके रख लीजिए। दिया बहुत ज़्यादा काम में आ जाते हैं। तो आपको करना क्या है, ले लेना है एक दिया और उसको इस तरीके से तोड़ के पाउडर जैसे बना के कर लेना है तैयार। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको इस तरीके से तोड़ लिया है। आप चाहें तो इसको
ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं, उसमें भी बारीक सा पाउडर बन जाता है। इसके बाद में आपको करना क्या है, ले लेना है कोलगेट पेस्ट और इस तरीके से डाल के अच्छे से आप इस तरीके से मिक्स कर दीजिए। तो इसके बाद में इसको आप इस्तेमाल करिए किचन सिंक में, जो भी सिंक में दाग धब्बे वगैरह पड़ जाते हैं या पीलापन छा जाता है, साथ ही जो खारे पानी के निशान जैसे पड़ जाते हैं, जब आप इससे साफ करेंगे तो सिंक आपका बहुत ही अच्छे से चमक जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको साफ कर देना है और देख सकते हैं सिंक कितने अच्छे से क्लीन हो गया है, और जो भी इसमें पीलापन छाया था या खारे पानी के निशान वगैरह आसपास छिटक से जाते हैं, बूंदे बूंदे पड़ जाती, वो भी बहुत ही आसानी से इससे साफ हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप पुराने दिए को यूज में ला सकते हैं। अगली टिप है, जब भी हम लोग दूध वगैरह पकाते हैं और ध्यान भूल जाती है या कोई दूसरा काम करने लगते हैं तो दूध बहुत जल्दी से गिर जाता है, तो आप क्या करिए, जब भी दूध उबलने को आए तो आप उसमें एक दिया डाल दीजिए। इसके बाद में दूध बिल्कुल भी बाहर की ओर नहीं गिरेगा। आप देख सकते हैं मैंने इसमें एक दिया डाल दिया है और दूध हमारा पक रहा है अच्छे से और बाहर की ओर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप साफ करके अच्छे से एक दिया को डाल दीजिए, कोई भी काम करते रहिए, दूध आपका बिल्कुल भी उबल के बाहर की ओर नहीं गिरने वाला है। अगर आपको आज के टिप्स पसंद आ रहे हो तो एक लाइक जरूर कर देना। अगली टिप है, जब भी मोमबत्ती जलाते हैं, जो मोमबत्ती बह-बह के नीचे की ओर गिर जाती है उसको आप इकट्ठा करके रख लीजिए, क्योंकि ये मोमबत्ती भी काफी ज्यादा काम में आ जाती है। तो आपको करना क्या है, ले लेना है मोमबत्ती के टुकड़ों को और इस तरीके से किसी भी बर्तन में रख के इसको पिघला लीजिए, और आपको ले लेना है कोई भी पुराने जले हुए दिए और उसमें आप एक एक बत्ती को इस तरीके से रख दीजिए, और जो भी हमने मोमबत्ती पिघलाई हुई थी वो आप इसमें इस तरीके से डाल दीजिए। डालने के बाद में आपको करना क्या है, इसको जलाना है। जब आप इसको जलाएंगे तो ये दिया आपके घर में काफी लंबे समय तक रोशनी देने वाले हैं। तो इस तरीके से जो भी बेकार पड़ी हुई मोमबत्ती थी उसको आप डाल के दिए बना के रख सकते हैं और इसको शाम में अपने घर को फिर से रोशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेकार पड़ी हुई मोमबत्ती भी काम में आ जाएगी और ये दिए जब आप घर में जलाएंगे तो काफी ज्यादा अच्छे लगने वाले हैं। आप देख सकते हैं दिया जल्दी से बिल्कुल भी नहीं बुझते हैं और काफी लंबे टाइम तक जलते रहते हैं। ऐसे आप बेकार पड़ी हुई मोमबत्ती को काम में ला सकते हैं। अगली टिप है, रेजर को लेके, जब भी ये रेजर की धार कम हो जाती है, ब्लेड पुराना हो जाता है तो ये काम ठीक से नहीं करता है। तो आपको करना क्या है, ले लेना है इस तरीके का कोई भी स्क्रबर, जो स्क्रबर लेना है वो थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, उस पर आपको करना क्या है, इस रेजर को कुछ इस तरीके से चला देना है। तो उसको आपको एक ही साथ चलाना है, केवल नीचे से ऊपर की ओर ले जाना है। तो जैसे ही आप इसको इस पर चलाएंगे तो जो भी ब्लेड की धार वगैरह कम हो जाती है वो बहुत ही अच्छे से बढ़ जाएगी। अगर आपको हमारे आज के टिप्स पसंद आए हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, फैमिली दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।